हेलो फ्रेंड, आज मैं शेयर कर रही हूँ परवल की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ परवल लिया है, इसे धोकर मैंने काट लिया है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ सब्ज़ी बनाने की रेसिपी। परवल की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई लिया है, मैंने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तेल गरम हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी ज़ीरा। अब यहाँ मैं डालूंगी परवल। परवल डालकर मैंने मिक्स कर दिया है। मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी। अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। परवल को मैंने फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। परवल फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, तेल बच गए हैं। इसी बचे हुए तेल में मैं आलू को भी फ्राई कर लेती हूँ। आलू भी फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा और तेल डाल दिया है, मैं इसमें डालूंगी तेजपत्ता तोड़कर, थोड़ी सी जीरा। जीरा मैंने डाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन को भून लिया है 1 मिनट। मैं इसमें डालूंगी प्याज का पेस्ट। प्याज को भी मैंने 2 मिनट भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी सभी मसाले। मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच नमक। मैं सभी को मिक्स करके मसाले को भून लूंगी। मसाला फ्राई हो चुका है, मैं इसमें डालूंगी 1 कटे हुए टमाटर, 1 से 2 मिनट मैं टमाटर को भी पका लूंगी। मसाले के साथ टमाटर भी पक चुका है, मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किया हुआ आलू परवल। सब्जी पक चुकी है, मैंने इसे 10 मिनट पका लिया है। मैं इसमें डालूंगी धनिया पत्ती। मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।